हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के स्ट्रिक्ट सेशन में। और मैं आपका मैथ्स गुरु यानी कि प्रबल सर एक बार फिर से हाजिर हो चुका हूँ आज के सेशन के साथ। तो आज हमारा कंसेप्ट है, या फिर बोल सकते हैं आज हमारी जो ट्रिक्स हैं वो ट्राइंगुलर नंबर के ऊपर है, जिसको हम बोलते हैं त्रिकोणीय संख्या। बिल्कुल एकदम ऐसा कंसेप्ट धमाकेदार दूंगा कि आपको कभी भी ट्राइंगुलर नंबर के ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए आगाज करते हैं आज के सेशन का। सबसे पहले तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि SSC का मेरा जो अनअकेडमी का टाइमिंग है, जो फ्री लाइव क्लास होती है स्पेशल क्लास, उसका टाइमिंग 9:15 है, और बैंकिंग की क्लास का टाइमिंग रात को 9 बजे है। ये क्लास आपको देखनी है और इस क्लास को देखने के लिए आपको मेरे को फॉलो करना है प्रबल लवानिया नाम से अनअकेडमी पर। जैसे ही आप अनअकेडमी पर जाएंगे, ऊपर आप सर्च ऑप्शन में सर्च करेंगे प्रबल लवानिया, तुरंत मैं आपको मिल जाऊंगा। ठीक है, तो आज ही मेरे को फॉलो करिए, और फॉलो करने के बाद आप मेरे सेशंस को डेली फॉलो करेंगे, लिटरली बता रहा हूँ, यू विल फील लाइक कि आपके सिलेक्शन के चांसेस कहीं ना कहीं जो रुके हुए थे वो बढ़ते हुए दिखेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले तो स्टार्ट करेंगे ट्राइंगुलर नंबर होता क्या है। आपको ये कुछ डॉट्स दिख रहे होंगे, जैसे ये एक डॉट दिख रहा है तो T1 = 1, 3 डॉट दिख रहे हैं T2 = 3, यहाँ पे 6 डॉट दिख रहे हैं T3 = 6, यहाँ पे 10 डॉट दिख रहे हैं T4 = 10। एक्चुअल में यही ट्राइंगुलर नंबर या त्रिकोणीय संख्या है। अब त्रिकोणीय संख्या होता क्या है वो देखिए, जो नंबर या जितने डॉट आपके ट्राइंगल को फॉर्म कर देंगे उतने ही डॉट को काउंट करके आप त्रिकोणीय संख्या बोल दोगे। क्या सर इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक है कि त्रिकोणीय संख्या जो नंबर बोलूँ मैं उसका त्रिकोणीय संख्या बता दो? बिल्कुल है शॉर्ट ट्रिक, देखते हैं क्या है। जैसे मैंने आपसे बोला कि पांचवी त्रिकोणीय संख्या निकालो, तो एक शॉर्ट ट्रिक याद रखेंगे हम लोग, n n+1/2, ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है, इसको याद रखेंगे। जो नंबर बोला जाए, जैसे पांचवा नंबर बोला तो n = 5, 10वां नंबर बोला n = 10, 18वां नंबर बोला n = 18, 25th नंबर बोला n = 25। जैसे मैंने बोला आपसे पांचवा बताओ, तो n = 5 रखोगे और 5 × 5+1 = 6/2, तो 5 × 15 हो गया, चेक करो ज़रा, 15 है। ठीक है, 6 रख के देखें तो n = 6 रखेंगे तो 6 × 6+1 = 7/2, ये कैंसिल हो गया, 7 × 3 = 21, दैट मीन्स 21। ठीक है, आप इसके ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन ये पूछते हैं इस पे। सबसे पहला क्वेश्चन, 40वीं त्रिकोणीय संख्या बताओ क्या होगी, 40th ट्राइंगुलर नंबर। तो 40th ट्राइंगुलर नंबर का मतलब है n = 40 रखना है। फॉर्मूला आपका क्या था एक बार लिख दे रहा हूँ, n n+1/2 था, तो कितना हो जाएगा 40 × 40+1 और अपॉन में 2 से ये 20 कट गया, एंड 20 × 41 that is equal to 820, मतलब आपके क्वेश्चन का आंसर 820 आएगा। क्लियर है, डन है, समझ में आया ना? 40th ट्राइंगुलर नंबर चाहिए था n = 40, तो 40 × 40+1 = 41/2, एंड इफ यू कैंसिल 40/2 = 20, 20 × 41 = 820। एक और क्वेश्चन, 60वां त्रिकोणीय संख्या क्या होगा, n = 60 रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला अपना वही रहेगा, n n+1/2, एंड वैल्यू पुट करें तो 60 × 60+1 और अपॉन में 2, तो 60 × 61/2 सॉल्व करेंगे, 1830 आपके क्वेश्चन का आंसर है तुरंत। अब बताओ, आप खुद सोचो कि क्वेश्चन में कितना टाइम लगा, विद इन 5 सेकेंड आप आंसर निकाल दोगे। और लिटरली बता रहा हूँ, स्टूडेंट इतना गलत करके आते हैं क्वेश्चन को, कई बार तो देख के डर जाते हैं, सर ये कौन सी संख्या आ गई, रियल नंबर सुना था, ऑड नंबर, इवन नंबर, सारे नंबर सुने, लेकिन ये ट्राइंगुलर नंबर नहीं सुना। तो आज आपने सुन लिया, कॉपी पे नोट्स बना लेना कैसे निकालना है, और आप क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सम ऑफ 15th and 10th ट्राइंगुलर नंबर। तो 15वां ट्राइंगुलर नंबर पहले निकाल देते हैं, n = 15 है, तो 15 × 15+1 = 16/2, तो 15 × 8 = 120 आया पहले ये। ठीक है, 10th पे चलते हैं, 10th ट्राइंगुलर नंबर मतलब n = 10 है, तो 10 × 10+1 = 11/2, 2 से ये 5 कट गया, 11 × 5 = 55, ऐड कर दो, 120 और 55 को अगर जोड़ दिया जाए तो 175 आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा, ये आ गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं ऐसा ही, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 4th and 12th ट्राइंगुलर नंबर, ये दिया हुआ है, बताओ क्वेश्चन में ये दिया है। पहले 4th ट्राइंगुलर नंबर देखते हैं, n = 4,
तो आएगा कितना, 4 × 4 + 1 = 5/2, तो ये हो जाएगा 10। और अगर मैं बात करता हूँ 12th ट्राइंगुलर नंबर की, तो ये हो जाएगा n = 12, तो 12 + 1 = 13/2, 2 × 6 = 13, 6 = 78, ये हो गया। आपको निकालना है इनका गुणनफल यानी कि इनका प्रोडक्ट, तो इनका प्रोडक्ट अगर निकालेंगे तो 780 आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। क्लियर? तो अब आपको ट्राइंगुलर नंबर के कभी भी क्वेश्चन आएंगे तो गलत नहीं करने हैं, याद रखेंगे, चाहो तो नोट्स बना लेना प्रॉपर, जिससे आपकी गलतियां ना हो, ठीक है। तो त्रिकोणीय संख्या के क्वेश्चन अब आप कर पाओगे। ये मेरा यूट्यूब का शेड्यूल है, आप देख पा रहे होंगे कि टाइमिंग जो है वो ये लिखी हुई है, ठीक है, टाइमिंग ये लिखी हुई है, यहाँ देखिए 12 बजे बैंकिंग की क्लास होती है वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम चैनल पे, 3:15 बजे CGL 2020 की क्लास होती है जो कि वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे। ये न्यू फाउंडेशन बैच स्टार्ट करा है मैंने यूट्यूब पे, पहली बार फाउंडेशन बैच यूट्यूब पे, पहली बार फ्री फाउंडेशन बैच 7:30 बजे मैंने स्टार्ट करा है ये शाम को वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पर। अभी इस बैच को 5 से 6 दिन हुए हैं, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, बिल्कुल डिटेल में आप इस बैच को ज्वाइन करिए। चाहे आप UPSI की तैयारी कर रहे हो बिहार SI की, चाहे SSC की, चाहे आप तैयारी कर रहे हो UPSC में CSET की, तो आपको तब भी ये बैच बहुत हेल्पफुल होगा, तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको ये जानकारी पूरी मिलती रहे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अर्थमेटिक का मेरा एक फाउंडेशन बैच आ रहा है, इस फाउंडेशन बैच के लिए आपको अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेना है, और सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना है, अनअकैडमी की ऐप को ओपन करना है, और अनअकैडमी की ऐप ओपन करने के बाद गोल सेलेक्ट करना है SSC, और 12 मंथ चूज कर लेना है। जैसे ही आप 12 मंथ चूज करोगे तुरंत नीचे दिखाएगा एंटर योर रेफरल कोड, रेफरल कोड के स्थान पर आपको प्रबल सर कोड अप्लाई करना है, और कंटिन्यू करते हुए क्रेडिट्स भी आप अप्लाई कर सकते हो, जो आप फ्री लाइव क्लास देखते हो उससे आपको क्रेडिट मिलते हैं, जिससे आपका 500-600 रुपए और कम हो जाएंगे, और जैसे ही वो कम होंगे तुरंत आप पेमेंट प्रोसीड कर सकते हो। कोड को याद रखना है प्रबल सर, ये कोड बहुत कंपलसरी है, मैं नहीं चाहता कि एक्स्ट्रा आप एक भी पैसा वेस्ट करो, तो इसीलिए इस कोड को ज़रूर यूज़ करिएगा। बाकी अगर कोई भी दिक्कत आए कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।